दोस्तों, हम सब जानते हैं हमारी धरती अपने अंदर लाखों रहस्य को दबाए बैठी है। उनमें से हमने कई रहस्य को समझ लिया, लेकिन कई राज आज भी दफन है। आज से करोड़ों साल पहले हमारे धरती पे डायनासोर का राज हुआ करता था। वैज्ञानिकों को अब तक मिले कंकालों से डायनासोर की करीब 1000 नस्लों का पता लगाया गया है। इनमें से कोई वेजिटेरियन और कोई नॉन वेजिटेरियन थे। ज्यादातर डायनासोर विशाल आकार के हुआ करते थे, मगर कुछ बहुत छोटे थे। डायनासोर 4 पैर वाला भी थे और 2 पैरों वाला भी थे। प्रजातियां उड़ भी सकती थी। ये डायनासोर पूरी दुनिया में पाई जाती थी। डायनासोर की कुछ नस्लों के कंकाल भारत में भी मिली, जो ज्वालामुखी के लावों की वजह से खत्म हो गए थे। ये बात तो आप सबको पता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी के साथ घटी एक खगोलीय घटना में पृथ्वी पर मौजूद सारे डायनासोर मर गए थे। लेकिन दोस्तों, क्या डायनासोर से भी पहले इस धरती पे कोई जीव हुआ करता था? आखिर डायनासोर से पहले इस धरती पे कौन सा जीव था? तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। डायनासोर से पहले इस धरती पर रहने वाले जीव सिटिकोसोरस इस प्रजाति ने पृथ्वी पर 123 मिलियन सालों तक राज किया। सिटिकोसोरस जीव के ऊपर चीनी वैज्ञानिक और अमेरिकी वैज्ञानिक ने कई सालों तक रिसर्च किया। वैज्ञानिकों का कहना था ये जानवर डायनासोर से भी खतरनाक था, क्योंकि जब वैज्ञानिकों को सिटिकोसोरस की कंकाल मिली और उस पे रिसर्च किया, वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा दिखा कि सारे वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए, क्योंकि सिटिकोसोरस के पेट में कई डायनासोर के कंकाल मिले। और दोस्तों, दूसरा जानवर एडाफोसोरस है, जो डायनासोर से पहले इस धरती पे था। ये जीव उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जंगल में भी पाया जाता था। इस जीव के होने की पुष्टि 19वीं सदी में उत्तरी अमेरिका में मिले कुछ कंकालों से हुआ। दोस्तों, इस जीव के कंकाल पे जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, तो उसे रिसर्च में पता चला ये कंकाल 300 करोड़ पुरानी है। एडाफोसोरस दिखने में छिपकली की तरह थे, मगर इसका आकार बहुत बड़ा था और इसका पूंछ एकदम डायनासोर की तरह था। एडाफोसोरस की लंबाई 3 से 12 फीट तक होती थी और इसका वजन 300 किलो तक होता था। दोस्तों, इस जीव का शरीर बहुत डरावना था, क्योंकि इस जीव का मुंह बहुत छोटा और पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ था और इसका पूंछ डायनासोर की तरह था। ये जानवर कुछ ही देर में किसी भी जानवर को मार सकता था। लेकिन दोस्तों, जब ये जीव धरती पे था, तब उस समय हम इंसान इस धरती पे नहीं थे। इसके लाखों करोड़ों साल बाद इंसान की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, ऐसे ही नॉलेजेबल जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे।